नीच ते ऊच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। ओ बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। दोस्तों नमस्कार, गुरु रविदास जयंती सिर गोवर्धन बनारस की अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। 24 फरवरी को यहां पर जो है आयोजन होता है, इस बार 2024 में हुआ है। 3 दिनों तक गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है, जहां पर देश के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। पंजाब से, हरियाणा से, मुंबई से, विदेश से भी लोग आते हैं, संगति आती हैं गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और यहाँ पर अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, जहाँ पर टेंट सिटी लगा हुआ है, जहाँ पर लाखों लोगों के रहने की व्यवस्था की जाती है। और यहीं पर मेरे पीछे आप देखेंगे लंगर हॉल, अभी हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पर लाखों लोगों के लंगर छकने की व्यवस्था की जाती है। एक बार में 4 से 5 हजार लोग जो है लंगर हॉल में जा करके भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। बड़ा ही अद्भुत यहाँ का दृश्य होता है, अद्भुत वातावरण होता है। गुरु रविदास जी का जो सपना है वो पूरा होता है, ऐसा चाहूँ राज में सबको मिले अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। माने 2-3 दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए उनका जो सपना यहाँ पर साकार होता है, और उसी चीज को आज हम आपको दिखाएंगे। लंगर हॉल भी आपको लेकर चलेंगे, और जिस तरह से यहाँ पर उत्सव का माहौल होता है, जिस तरह से गुरु जी का जो यहाँ पर बर्थडे मनाया जाता है, पूरा कार्यक्रम आज हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शानदार यात्रा शुरू करते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग लाइन में लगे हुए हैं गुरु जी का लंगर छकने के लिए। और ये सामने लंगर हॉल, और बहुत ही प्रॉपर तरीके से लोग जो है अंदर जाते हैं लाइन में। साइड में, साइड में देख सकते हैं। और जो सेवादार हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए टेबल चेयर की व्यवस्था है, पुलिस वाले हैं। अरे जो है भंडारा के इंचार्ज साहब हैं, बताइए क्या हाल चाल है सर? अरे हमारा हाल चाल बिल्कुल ठीक है। हर साल आ जाते हैं सेवा के लिए? हर साल आते हैं सेवा के लिए, 20 साल से सेवा के लिए आते हैं हरियाणा से। अच्छा, तो जब आप सेवा के लिए आते हैं यहाँ पर, जब बहुत सारे लोग यहाँ पर लंगर छकते हैं, तो कैसी अनुभूति होती होगी? ये बहुत हमारे को बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। जब हमारे लंगर में संगत आती है ना, बहुत संगत आती है, 25-30 लाख आदमी आता है जिनको लंगर छकाते हैं। और हमारे जो सेवादार है ना, इतने बड़े खुश होते हैं कि लंगर छका के और संगत जय जयकार करते हैं। अच्छा, 24 घंटा यहाँ पर लंगर की जो व्यवस्था रहती है, 24 घंटे सेवादार तो 24 घंटा सेवा देते हैं। बिल्कुल 24 घंटे सेवा देते हैं, थकते नहीं है? नहीं थकते हैं जी, ये मेरे सतगुरु की कृपा है। 6-6 घंटे की ड्यूटी हर एक शिफ्ट की। ये मेरे महाराज जी की जगत गुरु रविदास जी हमारे इष्ट गुरु हैं, हमारे कुल गुरु हैं। कि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने इस संसार के अंदर क्रांतिकारी और सामाजिक परिवर्तन किया, और उस समाज में पैदा हुए जिस समाज में पढ़ने लिखने सुनने बोलने और अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, सभी अधिकारों से वंचित रखा गया था। विषय में एकता, समानता, भाईचारा स्थापित करने के लिए, ये दबे कुचले समाज के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, और इन जाति के अपमानों का अहंकार तोड़ने के लिए, पानी में पत्थर तराने पड़े, गंगा उल्टी बहानी पड़ी, और अपना कंधा चीर कर चारों जोग जनेऊ दिखाने पड़े। राजे महाराजे और कट्टर पंथियों के साथ ज्ञान गोष्ठी का लोहा लिया, उनके क्रांतिकारी सामाजिक और परामर्थी विचारों के आगे चारों वर्णों के लोगों को झुकना पड़ा। चारों वर्णों के लोग जगत गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमस्तुभ हुए, ते अंत में जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय जयकार हुई, और बनारस शहर के अंदर उनके सम्मान के लिए एक सोने की पालकी में हाथी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली गई। उस समय मेरे परम पिता परमात्मा जगत गुरु रविदास जी महाराज ने वो प्रभु की उपमा करते हुए, वो प्रभु की आराधना करते हुए यह पावन शब्द उच्चारण किए थे कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज को संया मेरा माथे छतर तर।
जांगी छोत जगत को लागे रे तापर तुही टरे रे नीच ते ऊच करे मेरा गोविंद काहू से ना डरे नामदेव कबीर तर लोचन और सदना सहन तरे रे कह रविदास सुनो रे संतो हर जीवो से सभी सरह। तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। और जो एक ब्लॉगर होने के नाते, एक मीडिया कर्मी होने के नाते, हमारा जो दायित्व है, हमारा जो लक्ष्य है कि गुरु रविदास जी किसी एक जाति या किसी एक संप्रदाय के गुरु ना हो करके संपूर्ण मानवता के गुरु हों, क्योंकि उन्होंने भेदभाव से ऊपर रह करके संपूर्ण मानवता के लिए सोचा। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग, चाहे किसी भी वर्ण के हों, किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी धर्म के हो, गुरु जी की वाणी को अंगीकार करें, उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करें। और आज के समय में उनका जो मार्ग है, बहुत उसके मार्ग की जरूरत है लोगों को। कहाँ से आए हैं? मैं तो यहीं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा है, तो हर बार आते हैं यहाँ पर? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और संत रविदास सामाजिक कर्मी थे, उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, उसी प्रकार संत रविदास के भक्ति काल के कवि कबीरदास जी भी थे, जिन्होंने जाति का विरोध किया। जाति ने पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पढ़ रहे दो म्यान। और कबीर के गुरु रामानंद जी थे, उन्होंने कहा कि जाति पाति पूछो नहीं कोई, हर के भजे सो हर के हुई। सभी धर्मों ने जाति, लेकिन ये जो जाति पाति वाला जो दीवार है वो टूट नहीं रहा है आज भी? नहीं टूटेगा, बहुत टूट चुका है, ऐसी बात नहीं है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। और पहले की अपेक्षा में वर्तमान में बहुत सुधार हुआ है, धीरे धीरे लोग पढ़ लिख रहे हैं और मुझे आशा है कि टूटेगा। अरे शिक्षा के जरिए टूट सकता है? जी जी बिल्कुल, शिक्षा ही बहुत जरूरी है सभी लोगों के लिए। हाँ हाँ, और ये देख रहे हैं सेवादार जो दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और ये देखिए बिना भेदभाव छुआछूत जात पात के यहाँ पर सैकड़ों लोग एक साथ बैठ करके लंगर छकते हैं। अभी थाली बांटा जा रहा है, चम्मच गिलास दे दो थाल। दोस्तों हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि गुरु रविदास जी का सपना था, ऐसा चाहूं राज में सबको मिले अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। सबको अन्न मिले, और यहाँ गुरु रविदास जयंती में सबको अन्न मिलता है, ये पहला सपना उनका पूरा हो रहा है। छोट बड़ सब सम बसे, छोटे हो बड़े हो, छूत हो अछूत हो, जाति का हो किसी संप्रदाय का हो, सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा सपना यहाँ पर उनका पूरा होता है, किसी को कष्ट ना हो, बेगमपुरा राज्य का उनका सपना था। तो यहाँ पर भले दो तीन के लिए सपना पूरा हो रहा है, पर हमारा जो उनको हम मानने वाले हैं, हम दिल से चाहते हैं, प्यार करते हैं, हम सबका लक्ष्य यही होना चाहिए कि जो दो दिन के लिए हो रहा है, तीन दिन के लिए हो रहा है, वो हमेशा के लिए हो, और केवल एक जगह न रहे बल्कि हर प्रांत में, हर राज्य में, हर गांव में, हर समाज में ये जो गुरु जी का सपना है वो पूरा हो। बेगमपुरा राज्य जहां पर किसी को गम ना हो, किसी को कष्ट ना हो, कोई भेदभाव ना हो, छुआछूत ना हो, जाति पाति ना हो, धर्म का पखंड ना हो, आडंबर ना हो, सभी चीज़ों से परे एक इंसान के नाते, एक अच्छे इंसान के नाते हम समाज में जीवन यापन कर सके। बेगमपुरा राज्य, स्वर्ग राज्य की कल्पना जिसे गुरु जी ने सपना देखा था, उसे हम सब मिल करके पूरा कर सके। और रात के समय आप देख रहे हैं गुरु रविदास की ऊंची प्रतिमा का दृश्य।
अब हम आपको दिखाएंगे रात के समय गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर यहाँ पर सिर गोवर्धन बनारस में। दोस्तों अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं रेवाड़ी हरियाणा का अद्भुत भव्य गुरु रविदास जयंती, जो यहाँ के बाद पूरे भारतवर्ष में सबसे भव्य रूप में मनाई जाती है। देखिए, हम शीश झुकाने आए हैं।